हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल। क्या आर्थराइटिस के पेशेंट चावल खा सकते हैं? क्या राइस खाने से उनका आर्थराइटिस बढ़ तो नहीं जाएगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोगों को हमेशा कंफ्यूज करता है, वो हमसे पूछते हैं। तो देखिए, चावल से ऐसी कोई स्टडी नहीं है कि चावल से आर्थराइटिस या गठिया बढ़ता है। अगर आप देखें हमारी जो इंडियन डाइट, तो साउथ इंडियन स्टेट्स, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या वेस्ट बंगाल, वहाँ पे चावल आटे से ज़्यादा यूज़ होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडियन स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जहाँ पे आटा ज़्यादा यूज़ करा जाता है। और तमिलनाडु या साउथ इंडियन स्टेट्स या ईस्टर्न स्टेट्स में राइस का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो ऐसा नहीं कोई स्टडी की या ऐसी कोई डेटा नहीं है या कोई ऐसा हमारे पास अभी तक एविडेंस नहीं है कि केरल में या तमिलनाडु में गठिया ज़्यादा कॉमन है या उनकी गठिया ज़्यादा सीवियर होती है। अगर आप कंपेयर करें नॉर्थ इंडियन डेटा या साउथ इंडियन डेटा, तो सेम मिलेगा रिसर्च में। जितना लोगों को यहाँ आर्थराइटिस है दिल्ली में या पंजाब में, उतना ही साउथ इंडियन स्टेट्स में है। तो चावल खाने से कुछ लोगों को पेन ज़रूर बढ़ जाता है, कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, उन्हें चावल खाने से, राइस खाने से गठिया का पेन थोड़ा बढ़ जाता है। वो कहते हैं कि जिस दिन हमने चावल खाया उस दिन हमारा दर्द बढ़ा। बट अगर आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो ये कोई सच्चाई नहीं है। चावल आप निश्चित होकर खा सकते हैं। इनफैक्ट चावल एक अच्छी फूड आइटम है, जैसे आटा होता है वैसे ही एक नेसेसरी फूड की हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि चावल खाने से आपका गठिया को बढ़ेगा। बट अगर आपको पेन बढ़ता है, आप अगर बार बार ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि चावल खाते ही आपका दर्द बढ़ रहा है, तो अवॉइड करिए। हफ्ते में एक बार खाइए या 10 दिन में एक बार खाइए। बट मोर ऑर लेस मोस्ट पीपल कैन ईट राइस विद सेफ्टी एंड दे कैन एन्जॉय देयर मील्स एंड बिरयानी। थैंक यू।